हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 5th का चैप्टर 19, अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। तो इसमें एक सीड है जो कि एक छोटा सा बाजरा का एक सीड। सीड का मतलब होता है बीज। तो इसमें एक छोटा सा बाजरा का सीड है और वो जो है रखा हुआ है, स्टे कर रहा है, मतलब रखा हुआ है एक ब्यूटीफुल काफ़ी सुंदर से वुडन बॉक्स में, मतलब एक लकड़ी के डिब्बे में 1940 से वो रखा हुआ है। और वो कह रहा है कि मुझे अपनी स्टोरी आपको बतानी है। ये स्टोरी जो है ये बहुत बड़ी स्टोरी है, और मतलब ये सारी की सारी बात एक सीड, एक बीज बोल रहा है कि मेरी स्टोरी है वो बहुत बड़ी है, और ये स्टोरी सिर्फ मेरी ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों की स्टोरी ये है। ये स्टोरी है एक फार्मर, एक किसान, दामजी भाई की और उनके परिवार की। तो वो ये बताता है कि अगर मैं अपनी स्टोरी अब नहीं बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, इट माइट बी टू लेट। अब बहुत देर हो जाएगी अगर मैं स्टोरी अपनी अभी ना बताऊं तो। वो बताता है कि मैं जो पैदा हुआ था वो हुआ था वनगाम गुजरात में, गुजरात के वनगाम में। ये सीड कहता है कि ये पैदा हुआ था। वो जो साल था उस साल बहुत अच्छा बाजरा हुआ था। बाजरा को हम इंग्लिश में मिलेट भी कहते हैं। तो मिलेट की जो क्रॉप है, बाजरे की जो फसल है, वो बहुत अच्छी हुई थी। और फेस्टिव मूड था, मतलब बहुत ही अच्छा सा मूड था सबका गांव में। और जो एरिया था वो वाला, जो ये जो वनगाम गुजरात का जो पूरा इलाका था, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था ग्रेन्स और वेजिटेबल्स के लिए। देखिए, ग्रेन का मतलब होता है फसल ही हो गया, अलग अलग तरीके के बीजों की फसल। और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो गांव जो है वो फेमस था। हर साल जो है दामजी भाई कुछ सीड्स, कुछ बीज जो है फसल के अच्छे क्रॉप के अलग निकाल के रख दिया करते थे। और इसी तरीके से जो बाजरा फैमिली थी वो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रहती थी। मतलब ये है कि जैसे कि इस साल बाजरे की फसल हुई, उसमें से कुछ बीज बचा करके अलग रख दिए गए, फिर अगले साल उन्हीं बीजों से दोबारा से फसल उगाई गई। तो बाजरे की जो परिवार है, जो जनरेशन टू जनरेशन वही यूज़ किया जा रहा है बाजरे को। अच्छे जो बीज होते थे उनको स्टोर किया जाता था ड्राइड गार्ड में। देखो, गार्ड होता है लौकी, तो सूखी हुई जो लौकी है ना उसको अंदर जो है बीजों को स्टोर करके संभाल करके रखा जाता था, और ऊपर से मिट्टी से इनको ढक दिया जाता था, कोट कर दिया जाता था। इस साल क्या हुआ, दामजी भाई ने मगर एक वुडन बॉक्स बनाया, मतलब एक लकड़ी का डब्बा बनाया खुद से बीजों को रखने के लिए। और उसमें उन्होंने क्या किया, बीज रख दिए और साथ ही साथ नीम की जो है वो पत्तियां भी उन्होंने रख दी, ताकि जो है कीड़े ना लगे बीजों में। और इन्होंने क्या किया, डिफरेंट कंपार्टमेंट बनाए, मतलब अलग अलग भागों में डिब्बे को बांटा। देखिए, जैसे कि ये डिब्बा है ना, इसमें बाजरे की फसल रखी हुई है, तो उन्होंने अलग अलग भाग में डिब्बे को बांटा और उसमें अलग अलग तरीके के जो है वो बीज रख दिए। और वो बीज जो है, बाजरे का बीज अपनी कहानी सुना रहा है। तो वो कहता है कि ये जो डिब्बा था ये हमारा सुंदर सा घर था। अब उन दिनों में जो दामजी भाई थे और उनके कज़न, मतलब उनके चचेरे भाई और तयेरे भाई, मतलब चाचा ताऊ के बच्चे, सब एक साथ रहा करते थे एक जॉइंट फैमिली में। और वो जो परिवार था वो काफ़ी बड़ा, लार्ज फैमिली हुआ करती थी। हर कोई जो था गांव में वो एक दूसरे की मदद करता था फार्मिंग में, मतलब फसल की कटाई करने में और फसल उगाने में, हर चीज़ में पूरे के पूरा गांव एक दूसरे की मदद किया करता था। जब जो क्रॉप है फसल उग करके तैयार हो जाती थी तो हर कोई जो है सेलिब्रेट किया करता था साथ मिल करके। तो जो बीज है वो बोलता है कितने सुंदर दिन थे वो भी, इतने बड़े बड़े मतलब त्यौहार अच्छे तरीके से सब लोग मनाते थे और कितना कुछ खाने के लिए हुआ करता था। विंटर्स में, सर्दियों के समय जो एन्जॉय करने का, मज़े करने का टाइम होता था, वो उंगड़िया, उसमें क्या होता था, उंगड़िया एक काइंड ऑफ स्ट्रू है, एक लंबी सी कोई, एक अभी हम आगे समझेंगे इसमें स्ट्रू, ये उंगड़िया क्या होता है अभी आगे बताऊंगी मैं। तो इसमें क्या होता था कि सारे के सारे वेजिटेबल्स क्या करे जाते थे, एक क्ले पॉट में वो रख दिए जाते थे, मतलब एक मिट्टी के घड़े में रख दिए जाते थे अलॉन्ग विथ फ्रेश स्पाइसेस। मिट्टी के घड़े में सारे के सारे जो वेजिटेबल हैं, सब्जियां रख दी और उसमें फ्रेश स्पाइसेस, बिल्कुल ताज़े मसाले डाल दिए। पॉट जो है, मिट्टी का जो घड़ा है, उसको ऊपर से ढक दिया जाता था और उसको रखा जाता था कोयले के ऊपर। फिर जो वेजिटेबल हैं वो धीरे धीरे आराम आराम से एक स्पेशल कुकर, ये स्पेशल कुकर जैसा बन जाता था, उसमें पकते थे आराम आराम से, और कहाँ पर, खेतों में ही। फिर
फिर वो कहता है कि हाँ अरे मैं तो बताना भूल ही गया कि जो है ये जो डिश है एक काइंड ऑफ स्ट्यू जो है ये इसको उंघड़िया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो पॉट है ना जो मिट्टी का जो घड़ा जिसमें ये बनता है उसको अपसाइड डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ उल्टा करके इसको रखा जाता था और इसी वजह से इसका नाम उंघड़िया है। और गुजराती में उंघड़िया का मतलब होता है अपसाइड डाउन। और उंघड़िया जो है ये खाया जाता था बाजरे की रोटी के साथ और जो बिल्कुल फ्रेशली कुक्ड जो होती थी एकदम चूल्हे पे जो बाजरे की रोटियां तुरंत तुरंत बनाई जाती थी उनके साथ ये उंघड़िया जो है वो खाया जाता था। फिर वो कहता है कि कितना अच्छा स्वाद हुआ करता था, ऐसा लगता था अर्थली टेस्ट मतलब जो मिट्टी का उसमें एकदम फ्रेश जो वो स्वाद मिला करता था। और उसको खाया जाता था होम मेड बटर, घर में बना हुआ जो बटर होता है, कर्ड मतलब दही और बटर मिल्क जो बटर मिल्क होता है ना जैसे जो बटर निकालते हैं उसमें मिल्क जो होता है उसके साथ जो है ये सब खाया जाता था। तो फार्मर्स जो हैं अलग अलग फसलें उगाया करते थे और ग्रेन्स जैसे कि ग्रेन्स हो गए ना ये जो बाजरा हो गया अलग तरह के और दूसरे जैसे गेहूं चावल वगैरह अलग अलग ग्रेन्स और सब्जियां उगाते थे जो सीज़न चल रहा होता था ना जो मौसम चल रहा होता था उसके अकॉर्डिंग। और फार्मर जो है वो कैप्ट एनफ जितनी उनको ज़रूरत होती थी उतनी फसल अपने लिए बचा के रखते थे और बाकी जो है वो सिटी शहरों के जो दुकानदार हुआ करते थे उनको बेच दिया करते थे। कुछ फार्मर जो है वो कॉटन भी मतलब कपास भी उगाया करते थे और घर में फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो चरखे से उस कपास को काता करते थे और चरखा होता है स्पिनिंग व्हील जो गोल गोल घूमता है उससे चरखे से क्लोथ को काता जाता है और फिर उसके धागे को काटा जाता है और उस धागे से जो है वो कपड़ा बनता है। अभी जो क्वेश्चंस वगैरह है ना ये हम चैप्टर के लास्ट में देखेंगे तो क्योंकि जब पूरा चैप्टर समझ लेंगे तो हम अच्छे से इनको कर पाएंगे इन वाले क्वेश्चंस को। तो आगे नेक्स्ट है इसमें ये देखिए हमें फसल को पहचानने के लिए बोला गया। चलो ये वाला भी देख लेते हैं। अब सबसे पहला वाला जो है ये क्या दिख रहा है, ये है कॉर्न मक्का है ये। दूसरा है मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के बीज है मस्टर्ड सीड। तीसरा है वीट मतलब गेहूं और चौथा है बाजरा मतलब मिलेट्स। फिर क्वेश्चन अब देख लेंगे थोड़ी देर में। फिर आता है व्हेन टाइम्स चेंज्ड, अब क्या हुआ अब समय जो है थोड़ा बदल गया, समय के साथ चीज़ें भी बदल गई। तो ओवर ईयर समय के साथ चेंजेस आए गांव में, कुछ लोग जो है क्या हुआ कैनाल से पानी आने लगा मतलब जो नदी जैसी होती है ना आर्टिफिशियल पहले सीमेंटेड बनाई जाती हैं फिर उसमें डैम से पानी भेजा जाता है तो इस तरीके के जो कैनाल हैं वो गांव तक पानी लाने लगे डैम्स की वजह से। जो रिवर पे डैम बनाए गए और उससे कैनाल से अलग अलग जगह पानी पहुंचाया जाने लगा और इससे बिजली भी आई इलेक्ट्रिसिटी भी आई मतलब आप स्विच को ऑन करो बटन दबाओ और लाइट आ जाएगी। अब लोगों ने क्या किया दो क्रॉप्स लोगों को लगने लगा जो दो फसलें हैं वीट और कॉटन मतलब गेहूं और कपास। इसके जो दाम है मार्केट में वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं तो ज़्यादातर फार्मर्स ने क्या किया इनको ही उगाना शुरू कर दिया मतलब किसको वीट को और कॉटन को। सोन जल्दी ही क्या हुआ बाजरा ज्वार और अदर वेजिटेबल्स बाजरा ज्वार और दूसरी जो सब्जियां पहले उगाई जाती थी उनको जो है भुला दिया गया और फार्मर्स जो हैं अब सीड खरीदने लगे बाजार से। पहले तो बचा के रख लेते थे अब फार्मर्स हर साल नए सीड बाजार से खरीदने लगे। अब पीपल लोग कहते हैं कि नए तरीके के सीड हैं तो फार्मर को इनको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है पुराने जो क्रॉप थी पुराने सीड्स की तरह इसको स्टोर करने की बचा करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लोग क्या है गांव के लोग जो हैं वो अब एक साथ ना ही खाना पकाते हैं ना ही खाना खाते हैं जैसे पहले करा करते थे। अब बहुत ही कम ऐसा होता है बड़े स्पेशल ओकेजन्स पे ही ऐसा होता है कि वो साथ में बैठ करके खाना खाएं। और अब ऐसा भी बोलते हैं लोग कि हमें वो याद है पहला टेस्टी खाना जो पास्ट में हुआ करता था जो फ्रेश हुआ करता था ऐसा लगता था खेतों से बना करके एकदम उगा करके और अभी खाना बना रहे हैं कितना मतलब टेस्ट चेंज हो गया है। अब किस तरीके से अब वो कहता है कि कैसे चेंज नहीं होगा सीड ये कहता है क्योंकि जब सीड ही बदल गया है तो टेस्ट कैसे सेम हो सकता है ना। अब जो दामजी भाई जो हैं अब वो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं अब उनका जो सन उनका बेटा हसमुख जो है वो देख रेख करता है
खेतों की और पूरे परिवार की। हसमुख जो है वो काफ़ी पैसे कमा रहे हैं अब फार्मिंग करके, खेती करके। उसने जो पुराना घर है उसको भी दोबारा बना लिया है, नई मशीनें लाई हैं उसने फार्मिंग करने के लिए। इलेक्ट्रिक मोटर से अब वो पानी जो है ज़मीन से निकाल करके सिंचाई करता है। उसने मोटरसाइकिल भी खरीद ली है जिससे वो इजीली सिटी में जा सकता है। ट्रैक्टर अब प्लो करने के लिए, मतलब जो वो होता है ना प्लोइंग का मतलब, जैसे कि खुदाई वगैरह, मिट्टी को ऊपर हटाना, ये सब जो है वो करता है अब ट्रैक्टर की मदद से। अब जो है ट्रैक्टर की मदद से करता है। और पहले क्या हुआ करता था, पहले बुलक्स हुआ करते थे, मतलब पहले बैलों की मदद से किया जाता था, और अब ट्रैक्टर की मदद से ये सब कुछ बहुत ही जल्दी कर लिया जाता है। अब हसमुख कहता है कि अब हम जो है फार्मिंग, जो हम खेती कर रहे हैं ना, वो बहुत ही होशियारी से कर रहे हैं। हम वी ग्रो अब वही फसलें उगाते हैं हम जो मार्केट में आसानी से बेची जा सकती हैं प्रॉफिट के साथ, और इससे हमारी जो लाइफ है ना वो भी काफ़ी अच्छी होती जा रही है दिन ब दिन। अब मगर क्या है, जो ये बीज था जो बॉक्स में बिल्कुल भूला हुआ पड़ा हुआ था, ये क्या है, आई एंड अदर सीड्स हैड आर डाउट्स। मतलब ये कहता है कि मैं और जो मेरे दूसरे भाई जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनके पास, हमारे पास अलग डाउट्स हैं। क्या सच में ये प्रोग्रेस है? क्या सच में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं? अब हमारे जैसे सीड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जानवर जैसे कि बुलक्स, अब ट्रैक्टर आ गए हैं तो बुलक्स बैलों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रैक्टर ने लोगों का भी काम कम कर दिया है फील्ड में। तो जो लोग पहले खेतों में काम किया करते थे, अब वो लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, ये वाली चीज़ें भी तो सोचने की हैं। अब नेक्स्ट आता है इसका, मोर एंड मोर एक्सपेंसेस, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा। अब नेक्स्ट 20 ईयर्स में, आगे 20 सालों में और भी ज़्यादा चेंज आए। अब काउज और बफेलोज के बिना, जो काउ डंक था, काऊ बफेलो तो रही नहीं जैसे पहले थी गाय भैंसे इतनी ट्रैक्टर्स की वजह से, तो अब काऊ डंक मतलब जो उसका गोबर था वो भी नहीं रहा। तो अब फील्ड्स में फर्टिलाइज़र, उर्वरक, जिससे जो फील्ड की, खेत की उगाने की क्षमता बढ़ती है, वो नहीं रही। तो हसमुख को अब फर्टिलाइज़र खरीदने पड़ते हैं। ये नए, अब जो नए काइंड के जो सीड हैं, जो क्रॉप उगाई जाती हैं, वो ईजिली बहुत ही आराम से, जो इंसेक्ट है ना, कीड़े, कीड़ों से जो नए तरीके के जो बीजों से फसलें उगाई जाती हैं, इन पे कीड़े बड़ी जल्दी अटैक कर देते हैं। तो इसमें दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती हैं उनको, कीड़ों को दूर भगाने के लिए। तो ये दवाइयाँ जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल करती हैं, इनमें से बदबू भी काफ़ी ज़्यादा आती है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा महंगी भी ये पड़ती हैं। कैनाल वाटर, कैनाल का जो पानी है, कैनाल वाटर, ये अब मतलब एनफ नहीं है, काफ़ी नहीं पड़ता नई फसलों के लिए। तो जो फार्मर्स हैं उनको पंप लगाने पड़ते हैं ज़मीन में से पानी को निकालने के लिए। और इन सारे एक्सपेंसेस, इन सारे खर्चों को उठाने के लिए जो किसान है उसको लोन लेना पड़ता है बैंक से। अब उसको काफ़ी ज़्यादा कम प्रॉफिट हो पाता है, क्योंकि वो बैंक से जो लोन लिया है उसको वापस भी करना पड़ता है, तो प्रॉफिट भी कम हो गया। अब हर कोई क्या है, कॉटन उगा रहा है, तो कॉटन के प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। अब सॉइल भी ऐसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। एक ही क्रॉप को बार 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 उगाने से क्या है, और इतने सारे केमिकल जो डाले जाते हैं, इससे सॉइल पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। और इससे अब सॉइल इस तरीके की हो गई है कि कुछ भी अच्छे से नहीं उगाया जाता है, और अब फार्मिंग से, खेती करने से पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और जो हसमुख है वो भी समय के साथ काफ़ी बदल गया है, वो काफ़ी टेंस, परेशान रहने लगा है, और जल्दी ही उसको एंग्री हो जाता है, वो उसे गुस्सा आ जाता है। उसका जो एजुकेटेड, पढ़ा लिखा जो उसका बेटा है जिसका नाम परेश है, वो फार्मिंग नहीं करना चाहता, वो उसको नहीं करनी खेती, वो एक ट्रक ड्राइवर बन गया है आफ्टर ऑल। अब बैंक से जो लोन लिया था उसको भी तो रीपे करना है, वापस करना है। परेश को कई कई दिन हो जाते हैं घर वापस आए, कई कई दो दो दिन, कई कई हफ्ते उसको वापस आए घर में हो जाते हैं। फिर एक दिन परेश आया और कुछ ढूंढने लगा इधर उधर इधर उधर। फिर उसने अपनी बा को आवाज़ लगाई और कहा कि दादाजी का जो वुडन सीड वाला बॉक्स था, दादाजी ने जो लकड़ी का डिब्बा बनाया था जिसमें वो सीड रखा करते थे, वो कहाँ है? अब वो मेरे लिए बड़ा ज़्यादा यूज़फुल रहेगा कि मैं उसमें स्क्रू और टूल्स जो मुझे ट्रक में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होते हैं, वो मैं उसमें रखूँगा। अब सीड बोलता है, अब आपको समझ आया कि मैं अपनी स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूँ? तो ये है आगे, अब देखते हैं। अब ये है, ये वाला जो ग्रीन बॉक्स है इसका, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें क्या है,
भास्कर भाई फार्म, भास्कर भाई हैं, उनका एक खेत है जो देहरी विलेज में, देहरी एक विलेज का नाम है, गांव का नाम है, जो कि है गुजरात में, उसका ये स्टोरी है। तो ये बच्चे हैं, ये जब कहते हैं, जब एंटर करते हैं फार्म में, तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं, चौक मतलब चौक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, जब ये देखते हैं डेड लीव्स, मतलब बिल्कुल सड़ी हुई जो पत्तियां हैं, और वाइल्ड ग्रास, ऐसे ही जो उगी हुई ग्रास घास है, हर तरफ घास और सूखी पत्तियां ही पड़ी होती हैं। कुछ जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं उसमें जो पत्तियां हैं वो भी सूख के गिर रही होती हैं, और उनको कीड़े खा रहे होते हैं। और मगर कई कई प्लेसेस पे कलरफुल रंग बिरंगी लीव्स होती हैं, तो उनको लगता है ऐसा क्यों? तो भास्कर भाई उन्हें कहते हैं कि ये क्रोटॉन के प्लांट हैं। क्रोटॉन के जो प्लांट होते हैं ना, वो ये सिग्नल दे देते हैं कि कब जो है सॉइल, मतलब जो धरती है, उसमें वो हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है, मतलब उसमें नमी ख़त्म हो चुकी है, ये वो क्रोटॉन के प्लांट जो हैं वो बता देते हैं। और बच्चे सरप्राइज हो गए कि ये किस तरीके से जो रूट्स हैं क्रोटॉन की, वो मतलब वो बताते हैं जो भास्कर भाई हैं कि क्रोटॉन की जो लीव्स हैं ना, वो ग्राउंड में बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं। सो व्हेन द टॉप लेयर्स ऑफ द सॉइल बिकम ड्राई, जब ऊपर की लेयर ड्राई हो जाती है, तो क्रोटॉन की लीव्स मुड़ के और लिम्प हो जाती हैं, तो मतलब उल्टी होके ऊपर की तरफ को आ जाती हैं। तो ये सिग्नल मिल जाता है भास्कर भाई को कि उनको अब फार्म में पानी देने की ज़रूरत है। और हमने ये भी देखा कि सॉइल सॉफ्ट थी और क्रम्बली थी, सॉफ्ट सी और क्रम्बल मतलब मुड़ सकती थी, इस टाइप की वो सॉइल हो रखी थी, सॉफ्ट सी। और हमने वहाँ पर देखे बड़े बड़े कोकोनट के ट्रीज थे, और जिसमें बहुत सारे फ्रेश कोकोनट लगे हुए थे। और हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के फर्टिलाइज़र डाले जा रहे होंगे, इतने अच्छे ये फ्रूट्स हो रहे हैं यहाँ पे कोकोनट के। तो भास्कर भाई ने कहा नहीं, वो कोई फर्टिलाइज़र नहीं खरीदते हैं फैक्ट्री में बना हुआ, सॉइल जो है वो फर्टिलाइज़र का खुद ही फर्टिलाइज हो जाती है, जब जो सूखी पत्तियां हैं वो सड़ करके नीचे गिरती हैं, ज़मीन में मिट्टी के साथ मिक्स हो जाती हैं। उन्होंने सॉइल डक करी और दिखाया कि थाउजेंड्स ऑफ अर्थ वॉर्म्स जो हैं वो मिट्टी में थे। अर्थ वॉर्म जो होते हैं वो फार्मर के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अर्थवॉर्म क्या करते हैं कि वो नीचे डिग करते रहते हैं, खोदते रहते हैं ज़मीन को, और वो टनल जैसी बना लेते हैं, जैसे कि रास्ते बना लेते हैं ज़मीन के अंदर। अब वो जो रास्ते बनाते हैं खोद खोद के, उससे क्या होता है कि ज़मीन में ना हवा और पानी आराम से जो है वो ट्रेवल कर पाता है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़मीन फर्टाइल हो जाती है, जो डेड लीव्स और प्लांट्स हैं उनको भी सड़ा देते हैं अर्थवॉर्म्स, और अपनी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं इंसानी की सारी ड्रॉपिंग से सॉइल जो है ना वो काफ़ी फर्टाइल हो जाती है। तो फर्टाइल सॉइल जो है वो उसमें सारी की सारी फसलें अच्छे से उग सकती हैं, और फर्टिलाइज़र बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है। अब प्रवीण ने अपने अंकल के बारे में भी बताया जो सिटी में रहते हैं, उन्होंने भी अपने गार्डन में एक पिट, एक गड्ढा बना रखा है, जिसमें वो सूखी हुई पत्तियाँ, किचन का बचा हुआ जो वेस्ट होता है, जैसे कि खाना बच गया और सब्जी काटी तो उसकी छिकल बच गए, वो सब क्या करते हैं, वो एक गड्ढे में डाल देते हैं, उसमें अर्थवॉर्म्स हैं उनके वहाँ भी। और ये जो है, जो पूरा वेस्ट है, ये कंपोस्ट में, देखिए ये जो वेस्ट है ना, ये पूरा का पूरा कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं, ये जो होते हैं अर्थवॉर्म्स, तो इसको हम नेचुरल फर्टिलाइज़र बोलते हैं। तो उसके अंकल जो हैं वो इतना अच्छा फर्टिलाइज़र भी लेकर के आ पाते हैं बिना पैसा खर्च किए। तो वो बताते हैं कि हमने कुछ जो है कोकोनट खाए वहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। अब जर्नी ऑफ बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू प्लेट, ये हम लोगों को बताई गई है। तो हम ये देखते हैं, देखिए सबसे पहले बाजरे का जो पेड़ था वो, उसमें से ये इसको तोड़ा गया, फिर बाजरे के उसमें ना बाहर की तरफ कुछ वो लगी होती है, एक कॉब होता है, मतलब आप समझ लीजिए कि बीज उसके बंद अंदर बंद होते हैं, फिर उसमें से ओखली में कूट करके इसको बीज निकाले जाते हैं, फिर बीज को और ज़्यादा पीसा जाता है, जब पीसने के बाद ये आटा बन जाता है फिफ्थ स्टेप पे, आटे के बाद पानी में मिला के डो, आटे को रोटी बना सेकने के लिए डो मतलब मला जाता है, फिर इसकी रोटी बनाई जाती है तवे पे डाल करके, फिर फाइनली रोटी खाने के लिए हमें मिल जाती है। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी अगर क्वेश्चन आंसर्स भी इसी में करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर्स हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।